थोड़ी सी भी गलती होती, थोड़ी सी भी गलती तो सब ब्लैक कपड़े। एक्चुअली ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, तो इस वजह से मैं सारे ब्लैक कपड़े रखता हूँ। अब बस एक ये टी शर्ट बचती है नहाने के बाद जो पहननी पड़ेगी। एक टी शर्ट मेरे बैग में भी थी। फिलहाल अपने पास है ही नहीं, यही एक टी शर्ट बच रही है। तो फिलहाल जल्दी से मैं एक बार नहा के रेडी होके फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइस मैं फुली रेडी हो चुका हूँ। तो ये आज का लुक है और फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। होप इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी में ही मिलूंगा, गाड़ी में मिलके बात करते हैं। तो फिलहाल ऊपर चलते हैं, खाना खाते हैं, जल्दी से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। आंटी बस यही सब्जी बनाई है क्या? ये 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 सब्जी बनाई है क्या? ये हां तेरी दाल में रखी है। तेरी दाल मैं कह रहा था वो दाल खा लेता हूँ मैं बस। ये नहीं खाया? नहीं, आलू मेथी पसंद नहीं है। ये मेरे भगवान से तेरी मम्मी क्या बनाती है? पनीर की सब्जी बस, रोज हर दूसरे दिन है? हर दूसरे दिन एक दिन में घर नहीं खाता है, अगले दिन पनीर बनती है। ना इनसे दोस्ती नहीं भी। ये वो वाला कुत्ता है ना करता दोस्ती। चले भाई चले चले रुको सिट 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 मेरे को उल्टा दिख रहा है। 12:22 हो चुके हैं और इस बार हो चुके हैं पूरे लेट। इतने बजे तक तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका था और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग निकला था, तो मैंने इसे बोला भी था कि अर्ली मॉर्निंग निकल ले। बेसिकली क्या है, ये सुशांत की गाड़ी है और ये भी हमारे साथ दिल्ली जा रहा है। इसको बेसिकली एक शूट करनी है, जो नेक्स्ट शूट करने वाला है तो दिल्ली में कर रहा है। तो इस बंदे ने लेट करवाया, वैसे मैं लेट नहीं होता। मैं सुबह सोची थी, मैंने बोला भी था इसे, मैंने कहा भाई जल्दी निकलते जल्दी निकलते जल्दी निकलते हैं। इसको लग गई खांसी जिसकी वजह से हम हो गए लेट। मैंने कहा तो दूर रहे, एक मीटर दूर रहे। आगे जितनी भी बातें होंगी गोप्रो में होंगी। मैंने कल गोप्रो की साउंड क्वालिटी सुनी, मैं पहले थोड़ा अनश्योर था बट साउंड क्वालिटी इज़ रियली गुड। नॉर्मली हम गाड़ी चलाते चलाते ही बात कर सकते हैं विदाउट दिस कैमरा, तो ये चीज़ बढ़िया लगी। तो फिलहाल अब यहाँ से चलते हैं। एक बार इसे चश्मा लेता हूँ, और चश्मा लाना भूल गया सबसे। ओ ये चश्मा दे दे भाई, एक चश्मा यार, आँखों में दर्द हो गया ये धूप देख देख के। यहाँ यहाँ कौन सी उंगली, कौन उंगली लगा के बताता है? 100 रुपये कह रहा, 100 रुपये का चश्मा है यहाँ उंगली लगाएगा मतलब चल ठीक है, चलो निकलते हैं। So, what's up people, कैसे हो सारे के सारे? Hope you guys doing well. So guys, welcome to new vlog. मैं नाम है हनी शर्मा, आप मुझे जानते तो ठीक है, नहीं तो smash the subscribe button and आप मेरे को जान जाओगे। दिन क्या हो रहा है ना, एक्चुअली मम्मी अभी डॉक्टर के गई हुई थी पापा को लेके, और उसके बाद फिर वहाँ से वापसी आते टाइम राशन की दुकान पर रुकी थी राशन लेने घर का। वहीं पे खड़े होके मम्मी का कॉल आया कि तू तो कितनी देर में पहुँच रहा है? सीधा घर पहुँच, तेरे को अब कहीं नहीं जाना। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा? तो तब बताया उन्होंने कि बाहर राशन की दुकान पर राशन नहीं है, मतलब लोग
इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं और घबराना भी चाहिए कि वो सारा का सारा राशन ले जाके घर पे स्टोर कर रहे हैं सो दैट कोई ऐसी इमरजेंसी ना आ जाए जो घर पे रुकना पड़ जाए। यार मुझे लिटरली मैं ना समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से इस पर तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता कि यार इतना है जितना मैंने सुना है और जितना मैं कर रहा हूँ। अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर रखो क्योंकि मैं हर 10-10 सेकेंड 20-20 सेकेंड में सैनिटाइज कर रहा हूँ अपने हाथ और थोड़ा सा सेफ रहो। भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाओ, मैं नहीं जा रहा, मैं तो बहुत ही उसमें घूम रहा हूँ। गाड़ी में मैंने मास्क रखा हुआ है, जब भी कहीं उतरूँगा तो भी मास्क पहन के उतर रहा हूँ। मोस्टली जगह जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पे मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, बट सेफ रहो। खतरनाक ही हिसाब हो रहा है यार, मुझे मेरे को नहीं लगता था कभी गुड़गांव में भी ऐसा कुछ आएगा क्योंकि मेरे को गुड़गांव सबसे सेफ लगता था। मैंने कहा यार अपना घर अपने यहाँ पे सेफ है। क्या बोलते हैं कौन सा मुहावरा था वो, चाइना की चीज़ें ना चले तो एक दिन और चले तो सालों साल चलती रहती है, वही वाला हिसाब चाइना वालों ने यहाँ कर दिया। जो भी है जैसा भी है घर तो पहुँच रहा हूँ फिलहाल, बहुत तेज़ की भूख लगी है। रास्ते में रुक जाए यार कहीं, ये भूख लगने लगी बहुत तेज़। बाट क्यों रहा है, बाट क्यों रहा है? घर जाके मम्मी को क्या चारा दिखाएगा तू? अपन सारे रस्ते अपने फिर खाएगा। सॉरी या ओ डैब 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 सो गाइस अपन ने तो खा लिया खाना, यहाँ आ जाएगा। तो गाइस अब मैंने खा लिया खाना और बहुत ही तेज की भूख लगी थी, बहुत तेज की। इन्होंने खाया नहीं क्योंकि इनका इसमें बात करते हैं ना सीधा। बहुत तेज की भूख लगी थी और इन्होंने तो खाया नहीं क्योंकि इनका पेट भरा हुआ था। क्या हुआ बुन्नू भाई? मैं निकालू कहाँ से गाड़ी? मतलब ऐसे लगा के चले गए और कहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ रही है, बिल्कुल सटा के। ये बाबा नहीं बाबा मेरी तरफ की चला गिरा भयंकर। ओके गाया पहन रहा हूँ भाई, सीट बेल्ट पहन रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बंद करते हैं। सारे काम करते करते चलना पड़ता है। मैं तो ये सोचता हूँ जो बंदे बाइक पे ट्रैवल करने जाते हैं वो व्लॉग कैसे करते हैं और काम कैसे करते हैं। बढ़िया, सब बढ़िया। सो अब ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, बट मैं आगे कहीं रुकेंगे या फिर सीधा पहुँच जाएंगे, पहुँच के मिलता हूँ। Download royalty free beats at freebeats.io.
मतलब एक काम तो ठीक होता नहीं है, दूसरा काम पहले पड़ जाता है। तो क्या हुआ अभी, मतलब वहाँ से आ रहा था जब मैं सिरसा से, तो एक टायर फटने की आवाज़ तो आई थी, बट मुझे लगा था किसी और का टायर फटा है, मेरी गाड़ी का नहीं फटा, बट साला फटा ही मेरी गाड़ी का था। तो अभी मैं आया था यहाँ पे टायर वायर चेंज कराने, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि टायर आने बंद हो रखे हैं इतने दिनों से चाइना से। करा लो काम करा लो, तो साला उनने एस्टेसी तो करी यहाँ पे एस्टेसी इस चीज़ की भी कर दी। टायर कुछ इस टाइप से फटा था, मतलब देख के तो पता चल रहा है अगर थोड़ी सी भी गलती होती, थोड़ी सी भी गलती तो सूरज फाइनली ना के आ चुका हूँ और घर आ चुका हूँ। मतलब बहुत ही हेक्टिक डे था, पूरा दिन निकल गया वहीं पे, गाड़ी ठीक नहीं हुई, टायर अभी भी वैसे ही है और अलाइनमेंट बैलेंसिंग मैंने करा ली थी। ऑल्सो गाइस दो चीज़ बात करनी थी, सीरियस टॉपिक है, प्लीज़ सुनना ध्यान से। पहली चीज़ तो 22 तारीख को कोई बाहर मत जाना अगर आप समझते हो तो, जैसा कि हमारे मोदी जी ने भी बोला है, बाहर जाना ही मत, ठीक है। घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, घर पे बात करो, खाना खाओ, सो, टीवी देखो, नेटफ्लिक्स करो, अमेजोन देखो, हमारी वीडियोस देखो, जो करना है करो, बट बाहर मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। एक दिन की छुट्टी मिली है, मस्त मनाओ ना अच्छी तरीके से, मैं तो सोने वाला हूँ भाई। और दूसरी चीज़, इन दिनों घर पे लड़ाई मत करना, स्पेशली मम्मी से। तो क्यों रात 11:30 बजे कुछ इस वजह से बहुत तेज तो बोल रही है, तो कृपया करके लड़ाई मत करना और कुछ गलती हो तो बता देना यार।